सर्कल विदाउट सेंटर, ठीक है। पहले आप एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कीजिए, अपने मन से ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी एक पॉइंट अपने मन से ले लीजिए, कहीं पे भी ले सकते हैं, सेंटर हम लोग को नहीं देखना है। जस्ट अपने मन से एक तो पॉइंट ले लिए, उसका नाम हमने पी दे दिया, ठीक। फिर एक सेकंड खींचेंगे, नाम दे दिए ए बी। ये बीपी का जो लेंथ होगा, बीपी का जो लेंथ है मेजर कीजिए, जो लेंथ है, ठीक है, वही लेंथ का एक आर्क खींचेगा सीधा यहाँ पे, और फिर इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा, एबी को एक्सटेंड कर दीजिएगा, कर दिए। इसका एक नाम दे दीजिएगा सी। अब एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिएगा, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब हाफ से ज़्यादा लेके कट कीजिए, कट कीजिए, ए पे बिठाइए, एंड पॉइंट पे कट कीजिए। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपका पॉइंट चाहिए तो एडजस्ट कीजिए, और यहाँ पे आपका देख के ये आपका मिड पॉइंट आया। ये जो मिड पॉइंट आया, यहाँ को लेके ए पे बिठाइए या सी पे बिठाइए, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। देखिएगा ए और सी दोनों टच होना चाहिए। अब क्या कीजिएगा, पी पे जिस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है वहाँ पे आप 90 डिग्री ड्रॉ कीजिएगा। तो उसके लिए अपने आप से सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए, एक छोटा सा, दोनों का एंड पॉइंट लीजिएगा, कट कीजिए, कट कीजिए, और यहाँ पे तो बुंगा ड्रॉ कर दीजिए। ये जो टच हुए इसका मेजर कीजिएगा, यू कैन गिव अ नेम, डी मान लेते हैं। तो पी डी का जो लेंथ होगा उसका लेके एक आर्क खींचे, वन एंड टू। ये सर्कल पे जहाँ जहाँ टच किया पी से आप टच करते हुए जाइए, ये रिक्वायर टेंजेंट आपको मिलेगा। चलो देखो, वाह।